आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में नारियल बर्फी की रेसिपी, जिसमें हमने ना ही कंडेंस मिल्क का, ना ही मावे का और ना ही मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल ही ऑथेंटिक तरीके से हमने इसे सिर्फ दूध से बनाया है और स्वाद इसका इतना बढ़िया है कि आप मार्केट की बर्फी खाना भूल जाएंगे और अंदर से इतने मुलायम, इतने सुपर सॉफ्ट कि मुंह में जाते ही घुल जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राखी और स्वागत है आप सभी का राखी किचन कॉर्नर में। हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ले। तो फिर चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की रेसिपी को बनाना। इसके लिए हम पैन में सबसे पहले लेंगे एक छोटी चम्मच घी। अब इसमें हम 2 बड़े कप सूखे नारियल बुरादे का इस्तेमाल करेंगे, जिसे नारियल का पाउडर भी बोलते हैं, बहुत ही इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। अब इसे हम धीमी आंच पर 1.5 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इसका कलर हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है। 1.5-2 मिनट के लिए हमने जो नारियल का पाउडर है इसे हमने अच्छी तरह से भून लिया है बिल्कुल धीमी आंच पर, और हमने इसका कलर को भी ज्यादा चेंज नहीं किया है। इसे हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, तो बस इतना ही हमें इसे भूनना है। बस अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम सेम पैन में लेंगे 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क। दूध को कंटिन्यूसली चलाते हुए इसमें हमें उबाल आने देना है। दूध में एकदम बढ़िया काफी अच्छी उबाल आ गई है। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर ऐड हो जाएगी बर्फी में। अब इसी के साथ 1 छोटी कटोरी शुगर यानी चीनी का इस्तेमाल करेंगे। शुगर का इस्तेमाल आप अपने मिठास के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब दोनों ही चीजों को अच्छी तरह से चलाते हुए हमें दूध में मिक्स करना है। अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लेना है और कंटिन्यूसली दूध को हमें चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि दूध हमारा गाढ़ा ना हो जाए। जैसे जैसे दूध पकेगा वैसे वैसे दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए जो दूध है गाढ़ा होना शुरू हो गया है। दूध को कंटिन्यूसली चलाते हुए ही पकाना है ताकि जो दूध है वो पैन में चिपके नहीं और जो किनारे में भी जो मलाई जम जाती है उसे भी हमें हटाते हुए चलना है। अब दूध को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है और दूध हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। इलायची की भी काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है और एक तरफ से देखा जाए तो ये एक मावे का फॉर्म में आ गया है। अब बस हम इसी स्टेज पर भुने हुए नारियल के बुरादे को हम ऐड कर देंगे दूध के साथ। गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए नारियल और जो दूध का मावा हमने तैयार किया था वो काफी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब जिस भी ट्रे या थाली में बर्फी को जमाया उसे अच्छी तरह से पहले घी से ग्रीस कर ले, इससे बर्फी जो है ना चिपकेगी नहीं ट्रे या थाली में। अब तैयार किए हुए मिश्रण को हम थाली में डाल लेंगे। अब स्पैचुला की मदद से इसे अच्छी तरह से थाली में हमें सेट करना है। तो देखिए इसे हमें इस तरह से सेट करना है, एक किनारे की तरफ से सेट करना है और इसे पूरी अच्छी तरह से हमें ऊपर से प्लेन करना है। तो इसे हमने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हम बर्फी के ऊपर थोड़े से पिस्ता यानी कि ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। अब हम स्पैचुला की मदद से ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि जो ड्राई फ्रूट्स है वो बर्फी के साथ अच्छी तरह से सेट हो जाए और वो निकले ना। अब बर्फी को हम मार्केट का लुक देने के लिए इसके ऊपर सिल्वर लीव्स अप्लाई करेंगे, जिसे चांदी का वर्क भी बोलते हैं, बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाती है, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बर्फी की जो थाली है वो हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अब इसे हम सेट करने के फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए हमने इस थाली को फ्रिज में रख दिया था और जो बर्फी है वो काफी अच्छी तरह से हमारी सेट हो गई है। अब इसकी हम बर्फी की शेप की जैसी कटिंग कर लेंगे। बर्फी की साइज आप अपने मन पसंद से छोटी बड़ी रख सकते हैं। तो बर्फी हमारी बिल्कुल तैयार है बनकर एंजॉय करने के लिए। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस बर्फी को बनाकर तैयार किया है, लेकिन स्वाद इसका मार्केट की बर्फी से भी काफी अच्छा है। और बर्फी अंदर से इतनी मुलायम, इतनी सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है ना कि मुंह पे जाते ही घुल जाए बर्फी। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ बहुत ही जल्द और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।